हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अपन यहाँ पे आज इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में चार इसकी ब्रांच पढ़ेंगे, जिसको दी गई थी सेलेवरी एंड मेयर के द्वारा। यानी सेलेवरी एंड मेयर के द्वारा इमोशनल इंटेलिजेंसी के कितने प्रकार यानी ब्रांच बताए गए थे, इसको चार भागों में इसने बांटा था। किसके द्वारा? सेल्वर और मेयर के अनुसार। किसको? इमोशनल इंटेलिजेंसी को। देखिए, पहला क्या होता है, परसिविंग इमोशन क्या होता है? इसमें देखो, बच्चों को एरिया दे दिया जाता है, यानी उसको क्षेत्र दे दिया जाता है उसको काम करने के लिए, है ना। जैसे कोई बेगर गांव का है तो उसके गांव के अकॉर्डिंग उसको काम दे दिया जाता है, कोई शहर का है तो उसको शहर के अकॉर्डिंग काम दे दिया जाता है ना। जैसा उसका वातावरण होता है उसी को वैसे अकॉर्डिंग उसको एरिया के अनुसार उसको कार्य दे दिया जाता है, तो वो आपका कैसे इमोशन कहलाता है, परसिविंग इमोशन कहलाता है। इसमें कहता है एरिया बेस्ड ऑन टू द नोवल वर्ड, यानी उसको एक एरिया के अनुसार उसको नोवल वर्ड यानी उसके शाब्दिक अशाब्दिक रूप से उसको कार्य में लगा देते हैं। रिसेप्शन एंड एक्सप्रेशन, यानी उसको वो फिर उससे क्या करता है, एनवायरमेंटल से एरिया से वो रिसेप्शन करता है यानी प्राप्त करता है, एंड एक्सप्रेशन और वह उनको व्यक्त करता है। ओम इमोशन, इनको अपने संवेगों को यानी वो समाज से या एनवायरमेंटल जिस वातावरण में रहता है उस समाज से वो अपने क्या प्राप्त करता है, कुछ संवेग प्राप्त करता है जो अपने संवेगों को किसी के सामने एक्सप्रेस करता है। इसमें हो सकता है जैसे बायोलॉजिकल, जैविक एंड साइकोलॉजिस्ट और मनोविज्ञान का आधार ये हो सकते हैं। हैव पॉइंटेड आउट दैट इमोशनल एक्सप्रेशन, जिनको व्यक्ति क्या करता है जैविक और शिक्षा मनोविज्ञान के आधारित उन पॉइंटों को संवेगात्मक रूप से उनको किसी सामने एक्सप्रेस करता है वो कहलाता है आपका परसिविंग इमोशन। क्या कहलाता है? परसिविंग इमोशन। इसके बाद देखो फैसिलिटिंग थॉट। फैसिलिटिंग थॉट क्या होता है? फैसिलिटिंग थॉट को समझने के लिए अपन सबसे पहले ये करते हैं कि द सेकंड एरिया, यानी पहले विद्यार्थी को अपन एक फर्स्ट एरिया दे दिया, किसी कार्य दे दिया, जब उस कार्य में वो सफल हो जाता है, जब फर्स्ट कार्य में फर्स्ट एरिया में उसको जो काम दिया जाता है उसमें वो सक्सेस हो जाता है, तो फिर उसको क्या दिया जाता है, सेकंड एरिया दिया जाता है, दूसरा काम उसे दिया जाता है, जिसमें वो क्या करता है, अपीयर एवरी प्रत्येक चीज को वो दर्शाता है, है ना। बिट एज द बेसिक, बिट यानी क्या होता है, शर्त के अनुसार। बिट यानी क्या होता है, शर्त के अनुसार वो दर्शाता है। बेसिक एज द फर्स्ट, जैसे उसने पहले से सीखा था उसको सेकंड में वो शर्त के अनुसार यानी वो सत्यापित करते हुए उसको दिखाता है ना। वो ये भी करता है कि देखो इसमें ये फैक्ट है तो ये बात इसमें सही है, तो ऐसा एक्सप्रेस करता है, वो कहलाता है फैसिलिटिंग थॉट, जिसमें कर सकता है गाइड देना किसी को, कॉग्निटिव या संज्ञान विचार देना, कॉग्निटिव सिस्टम एंड प्रोमेटिंग थिंकिंग, और अपने सोचने का बढ़ावा देना, प्रोमेटिंग थिंकिंग, तो वो कहलाता है आपका फैसिलिटिंग थॉट। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें पहले में तो क्या होता है, बच्चे को कार्य दिया जाता है, फिर उसमें अपने जैविक साइकोलॉजी मनोविज्ञान के आधारित वो अपने संवेगों को एक्सप्रेस करता है, खुद सोच विचार करता है, फिर वो किसी के सामने रखता है, तब जाके उसको कुछ सफलता प्राप्त हो जाती है, तब ऑटोमेटिक वो क्या करने लग जाता है, अपने आप में क्या नाम है, सक्सेसफुल हो जाता है, फिर दूसरे उसको दूसरे एरिया में उसे कार्य दिया जाता है, उसको कहते हैं फैसिलिटिंग थॉट। यानी सेकंड एरिया अपीयर्ड एमबी, यानी प्रत्येक को सेकंड एरिया दिया जाता है, पहले जिसको दे दिया वो क्या करता है, बेसिक ऑफ द पास्ट, पहले के अनुसार वो चलता है, और कहता है कि गाइड एंड कॉग्निटिव सिस्टम, और किसी व्यक्ति क्या करता है, गाइड करता है एंड कॉग्निटिव सिस्टम, संज्ञानवादी पर जोर देता है एंड प्रोमोटिंग थिंकिंग, और सोचने पर विचार पे जोर देता है। लेकिन आपका फैसिलिटिंग थॉट कब सफल माना जाएगा, जब तक आपका परसिविंग इमोशन क्लियर नहीं होगा तब तक आपका फैसिलिटिंग थॉट क्लियर नहीं माना जाएगा, इसका होना इस पर आधारित है। अब इसके बारे में देखिए, अंडरस्टैंडिंग इमोशन, ये क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग इमोशन, संवेगों को समझना। अब देखो इसमें व्यक्ति क्या करता है, बच्चों को डिजायर टू द ज्वाइन विद द अदर, यानी दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन कर लेता है, अपने संवेगों के अनुसार दूसरे व्यक्ति को वो जोड़ लेता है, और उनके बारे में क्या करता है, अपने संवेगों को दूसरों के बारे में नॉलेज करवाता है। पीपल्स एंग्री इंडिकेट, और लोगों को नाराज, जो लोग नाराज होते हैं यानी जो लोग उसके प्रति इच्छुक नहीं है उनको अपनी ओर अट्रैक्टिव करता है, डिजायर यानी इच्छा के प्रति, अपने कार्य के प्रति उसको अग्रसित करता है। ए डिजायर टू द जॉइन विद द अदर पीपल, कहा ना मैंने कि दूसरे व्यक्ति को वो अपनी इच्छा के अनुसार जोड़ लेता है। ए मैसेज ऑफ द एंगर, जो व्यक्ति उससे नाराज होता है उसको भी एकदम वो संदेश दे देता है, यानी उसके भी एकदम दिमाग में बैठा देता है कि वाक्य में ये बात सही है, तो वो क्या कहलाता है, अंडरस्टैंडिंग इमोशन कहलाता है। इसके बाद में लास्ट आता है आपका मैनेजिंग इमोशन, ये क्या होता है, मैनेजिंग इमोशन जो ये होता है, ए पर्सन नीड, एक व्यक्ति को आवश्यक होता है टू अंडरस्टैंडिंग, समझना इमोशन एंड कन्वे इन वर्ड्स, यानी
एक व्यक्ति को जैसे अपने वो समझ तो रहा है लेकिन उसको अंदर से ये पता नहीं है कि मैं समझ रहा हूँ वो सही है गलत है, इसलिए उसको सही तरीके से समझाने के लिए क्या दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो वो इन्फॉर्मेशन किस में आता है, मैनेजिंग इमोशन में कहलाता है। तो आपके चार हो गए सेलेनी एंड मेयर ने इमोशनल इंटेलिजेंस के चार ब्रांच बताई थी, तो वो आपके सामने ये एक्सप्रेस जो पर्सनल इमोशन, सेकंड नंबर फैसिलिटिंग थॉट, थर्ड नंबर पे आपका अंडरस्टैंडिंग इमोशन, फोर्थ नंबर पे आपके मैनेजिंग इमोशन, ये आपके आपके चार क्लियर हो गए। इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। तो थैंक यू, लाइक एंड शेयर प्लीज माय वीडियो। ओके।